बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 6 एंड द यूनिट नंबर 6 इज़ पाकिस्तान। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 29। पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इट हैज़ अफगानिस्तान एंड ईरान ऑन इट्स वेस्ट। पाकिस्तान जो है वो बरियाज़म एशिया में वाक़िया है। इसके मगरब में ईरान और अफगानिस्तान जो है वो मौजूद हैं। इंडिया ऑन इट्स ईस्ट, और मशरक में जो है वो इंडिया है, और चाइना ऑन इट्स नॉर्थ ईस्ट। चाइना शुमाल मशरक में वाक़िया है। इट हैज़ द अरबियन सी ऑन इट्स साउथ। इसके जनूब में बहरे अरब जो है वो वाक़िया है। द एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख किलोमीटर्स। पाकिस्तान का रकबा तकरीबन 8 लाख किलोमीटर है, मीटर्स है। पाकिस्तान इज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली divided into 4 main provinces of Sindh, Punjab, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. पाकिस्तान जो है इंतज़ामी लिहाज से, पाकिस्तान को इंतज़ामी लिहाज से 4 बुनियादी ख़ास सूबों में, जैसे कि सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम किया गया है। अदर डिवीजन्स इंक्लूड फोटा, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान रीजन, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड द आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा जो दूसरे डिवीजन्स हैं उनमें फाटा है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, और आज़ाद जम्मू और कश्मीर है। जैसा कि आप यहाँ पे मैप देख रहे हैं कि आप इसको देखें तो इसमें सारी सिचुएशन का आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कौन से प्रोविंसेस पाकिस्तान के कहाँ पे जो है वो वाक़िया हैं। नेक्स्ट पेज पे है, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं इस्लामाबाद। ईच ऑफ द 4 provinces हैज़ इट्स ओन कैपिटल सिटी। हर जो सूबा है उसका अपना एक अलहदा दारुल हुकूमत है, उसका अपना एक मेन सिटी है। जैसे कि सिंध का कराची है, और पंजाब का जो है लाहौर है दारुल हुकूमत, और पिशावर का जो है खैबर पख्तूनख्वा है, और क्वेटा का बलूचिस्तान का क्वेटा है। और सम अदर मेजर सिटीज़ इन द कंट्री आर मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, अबटाबाद, कोहाट, सियालकोट, सखर एट्सेट्रा। और इसके अलावा जो ख़ास इसके कंट्रीज, इसके जो शहर हैं वो मुल्तान है, हैदराबाद है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी, एबटाबाद, कोहाट, सियालकोट और सक्कर वगैरह इसके हैं। नेक्स्ट है द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इज़ अ सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी फॉर इट्स पीपल एंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान का जो परचम है, जो झंडा है, वो जो है कौमी शनाख्त की अलामत है, और इसके लोगों के लिए और दुनिया के लिए। इट इज़ डिज़ाइन टू रिप्रेजेंट अवर नेशन। ये हमारी कौम को मुतारिफ़ करवाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। द ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट द मुस्लिम मेजॉरिटी, और इसका जो ये आप झंडा देख सकते हैं फ्लैग, यहाँ ये बताया गया है कि ग्रीन पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट मुसलमानों की अक्सरियत को ज़ाहिर करता है, एंड वाइट पार्ट रिप्रेजेंट द माइनॉरिटीज़ लिविंग इन पाकिस्तान। और जो इसका सफ़ेद हिस्सा है वो जो अक़लियत हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं, उनको ज़ाहिर करता है। इट वाज चूज़न टू डिस्प्ले नेशनल यूनिटी अमंग ऑल द पीपल ऑफ आवर नेशन।
और ये जो है हमारी कौम के तमाम लोगों के दरमियान कौमी इत्तेहाद को जाहिर करने के लिए इसको मुरतब किया गया है, इसको चूज़ किया गया है। द क्रेसेंट क्रेसेंट इज़ अ हिलाल, इज़ अ सिंबल ऑफ इस्लामिक आइडेंटिटी। और हिलाल जो है, हिलाल जो चांद है, वो जो है इस्लामी शनाख्त को जाहिर करता है। द स्टार डिनोट्स प्रोग्रेस, और जो सितारा है वो तरक्की को जाहिर करता है। द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज प्रेजेंटेड टू द नेशन ऑन 11 अगस्त 1947 बाय द प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो कौमी झंडा है पाकिस्तान का, उसे जो है 11 अगस्त 1947 को जो है कौम के सामने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया। इट वाज़ डिज़ाइन बाय अमीरुद्दीन किदवाई, और इसको अमीरुद्दीन किदवाई ने जो है वो डिज़ाइन किया। ही सेड द फ्लैग स्टैंड्स फॉर फ्रीडम लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और जो झंडा है वो आज़ादी और लिबर्टी, खुद मुख्तारी और मुसावात के लिए है। इट विल बी एन एम्बलम, एम्बलम होता है शनाख्त ऑफ पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये जो है पूरी दुनिया में अमन के लिए एक निशान बन जाएगा ये। एंड आवर नेबरिंग कंट्रीज़ हैव देयर ओन नेशनल फ्लैग, हमारे जो हमसाए ममालिक हैं उनके अपने जो है वो कौमी झंडे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ईरान का है, अफगानिस्तान का है, चाइना का है और इंडिया का है। नेक्स्ट जो पेज है उस पे है कि कल्चर ऑफ पाकिस्तान लैंग्वेज, उर्दू इज़ अवर नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उर्दू जो है हमारी सरकारी और कौमी ज़ुबान है, और इट इज़ स्पोकन बाय अंडरस्टूड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। और ये जो है, और हमारे मुल्क के बहुत सारे अक्सरियत जो लोग हैं वो इसको बोलते भी हैं और समझते भी हैं। बिसाइड्स उर्दू द रीजनल लैंग्वेज स्पोकन इन पाकिस्तान आर पश्तो, पंजाबी, बलूचिस्तान सिंधी, सराइकी, गुजराती, ब्रोहवी एंड हिंको। और ये सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं इन लार्जर टाउन। उर्दू के अलावा इन लार्जर टाउन्स एंड सिटीज़ मैनी पीपल लर्न इंग्लिश, और बहुत सारे शहरों में लोग जो है वो इंग्लिश को सीख रहे हैं। और कस्बों में दिस हेल्प देम टू कम्युनिकेट थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये इससे उनको पूरी दुनिया के साथ राबता करने में मदद मिलेगी। इंग्लिश हैज़ नाउ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और ये एक बैन अवी ज़ुबान बन चुकी है। इंग्लिश इज़ आल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, और इंग्लिश जो है वो पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान भी बन चुकी है। अब आपने जो है इसको अच्छी तरह से जो आज आपको पढ़ाया गया है उसको अंडरस्टैंड कर लेना है।